हे फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल प्लेयर्स रिकॉर्ड पे। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं केसीए लायंस और केसीए टाइगर्स के बीच में जो अगला T20 का मैच होने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको दोनों ही टीमों के पूरे इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ बैटिंग ऑर्डर के साथ कि कौन से प्लेयर आपको इस मैच के अंदर दोस्तों ओपन करते हुए दिखेंगे, कौन से प्लेयर फर्स्ट राउंड पर खेलने वाले हैं। सारे प्लेयर्स का बैटिंग ऑर्डर के साथ मैं आपको बताऊँगा कि कौन से बॉलर आपको इस मैच के अंदर कंप्लीट 4 ओवर तक गेंदबाजी करते हुए दिखेंगे और किसे आप इस मैच के अंदर कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के लिए ले सकते हो, सारे इन्फॉर्मेशन मैं आपको शेयर करने वाला हूं। दोस्तों, यकीन मानो ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा दोस्तों, और इस मैच के अंदर थोड़ा बारिश होने के चांसेस रहेंगे दोस्तों, तो मैं सारे रिपोर्ट्स आपको शेयर करूंगा इस वीडियो के अंदर। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटे से रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर यहाँ पे पहली बार जुड़ रहे हैं दोस्तों, हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस वीडियो के नीचे जो आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा दोस्तों, इस पर एक बार क्लिक कर दें। साथ ही साथ यहाँ पर जो बेल आइकन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करने के बाद आपको ऑल का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसको भी एक बार सेलेक्ट जरूर कर लेना ताकि आने वाले T10 और T20 मैचेस का वीडियो मैं जैसे ही अपलोड करूँगा आपके पास सीधे नोटिफिकेशन जाएगा और सारे मैचेस का जानकारी आपको इसी प्रकार मिल पाएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा बताया गया स्टैट्स पसंद आता है, इस वीडियो से अगर आपको जरा भी हेल्प मिलता है, तो एक बार इस वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर करना। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। यहाँ पे आपको एक एरो का बटन दिख रहा होगा दोस्तों, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपके सामने शो हो जाएगा। इस ग्रुप में ज्वाइन करना जरूरी है क्योंकि लाइनअप के बाद आपको फाइनल टीम यहीं पर मिलेगा। अगर कोई भी चेंजेस होता है हमारे टीम में तो फाइनल टीम आपको यहीं पर शेयर कर दिया जाएगा। हालांकि अभी हम लोग टीम बनाएंगे ही, लेकिन हो सकता है कि लाइनअप के बाद एक दो खिलाड़ी चेंज हो और वही टीम में आपको फाइनल टीम के रूप में यहाँ पर शेयर कर दूंगा। इस वीडियो के नीचे मैंने आपको लिंक शेयर कर दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और जहां आप कमेंट करते हैं पहला कमेंट में मैंने लिंक आपको पिन कर दिया है, आप क्लिक करके इजी ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ये जो मैच रहने वाला है सनातना ड्रामा कॉलेज ग्राउंड पे ये मुकाबला होगा। मैं आपको बता दूं, ग्राउंड चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। बहुत सारे साइट्स में देख रहे होंगे फेक साइट्स है, वो ध्यान रखना सारे मैचेस सनातना ड्रामा कॉलेज ग्राउंड पे ही मैचेस हो रहे हैं। और ये जो मैच रहने वाला 1:30 में मैच स्टार्ट होने का टाइमिंग है इसका। बाकी पिच रिपोर्ट की बात करते हैं दोस्तों, तो लगभग 120-125 के आसपास एक एवरेज इसको इस ग्राउंड पर देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा बारिश होने के चांसेस रहेंगे, पहला मैच भी जो था बारिश की वजह से रुका हुआ है, ध्यान रखना। बाकी 18 मैचेस इस ग्राउंड पर अभी तक हुए हैं, फर्स्ट बैटिंग टीम ने दोस्तों यहाँ पर 6 मैचेस जीता है और सेकंड बैटिंग टीम 12 मैचेस जीतते हुए आ रहे हैं। जो भी टीम टॉस जीतेगा सबसे पहले बॉलिंग करने का निर्णय ले सकता है। अगर ये मैच हुआ दोस्तों, तो अभी तो हम लोग टीम बनाएंगे ही, तो टीम आपको शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। ये आपके नॉलेज पर्पस के लिए मैंने आपके लिए दोस्तों यहाँ पर टीम बनाया है, वीडियो बनाया है, ये चीज़ ध्यान रखना। बाकी TIG के जितने के चांसेस रहेंगे दोस्तों, ऑलरेडी एक मैच हो चुका है दोनों के बीच में, बॉलिंग पिच रहेगा 120-125 के आसपास एक एवरेज स्कोर देखने को मिलेगा। 6 मैचेस अभी तक केसीए लायंस की टीम ने खेला है, 6 मैच के अंदर 5 मैचेस जीता है, 1 मैच लॉस किया है। हेड टू हेड 1 मैच यहाँ पे ऑलरेडी इन दोनों के बीच हो चुका है, जिसमें से टाइगर्स की टीम ने विन करा था। दोस्तों, अगर टाइगर्स की बात करेंगे तो इन्होंने 6 मैच के अंदर 4 मैचेस जीता है और यहाँ पे 2 मैचेस लॉस करते हुए आए हैं। दोनों ही टीम काफ़ी मजबूत टीम है। हालांकि बैटिंग ऑर्डर की बात करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों अजनास खेलते हुए नजर आएंगे, जो टीम के थर्ड डाउन पे खेलेंगे। पहले मैच के अंदर 3 रन, फिर 28, फिर 0, फिर यहाँ पे 3 रन। ओवरऑल देखोगे 34 रन बनाया हुआ है। अल्फिन फोर्थ राउंड पे खेलेंगे, पहले मैच के अंदर 6 रन, फिर 1 रन, फिर 0, फिर यहाँ पे 30 रन बनाया हुआ है। ओवरऑल देखोगे 37 रन बनाया है। अनुज जोतिन फर्स्ट राउंड पे खेलेंगे, पहले मैच के अंदर 74 रन, फिर यहाँ पे 16 रन, फिर यहाँ पे 36 रन, फिर 17, फिर 15, और लास्ट मैच के अंदर 32 रन स्कोर करा है। ओवरऑल देखोगे 190 रन बनाया हुआ है टीम का। फर्स्ट राउंड का बैट्समैन दोस्तों बढ़िया प्लेयर है, आप इनको ट्राई कर सकते हैं। अश्विन आनंद सेकंड राउंड पे खेलेंगे, पहले मैच के अंदर 18, फिर 36, फिर 12, फिर 0, फिर 19, और लास्ट मैच के अंदर 17 रन स्कोर करा है। ओवरऑल देखोगे 102 रन बनाया हुआ है दोस्तों। बाकी यहाँ पे जला सक्सेना की बात करेंगे, टीम के ओपन करेंगे, प्लस आपको 4 ओवर गेंदबाजी भी करते हुए दिखेंगे। पहले मैच के अंदर 11 रन, इसमें कोई विकेट नहीं मिला, फिर 23 रन प्लस 1 विकेट, फिर 14 रन प्लस 2 विकेट, फिर यहाँ पे फ्लॉ, फिर 8 रन प्लस 3 विकेट, और लास्ट मैच के अंदर 29 रन प्लस 2 विकेट निकाले हैं। ओवरऑल देखोगे 87 रन बना के 8 विकेट निकाल चुके हैं दोस्तों, बहुत बढ़िया प्लेयर है, बैटिंग बॉलिंग दोनों करते हुए नजर आएंगे दोस्तों, कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए भी ले सकते हैं। मोहम्मद की बात करेंगे, टीम के ओपन करेगा, पहले मैच के अंदर 0 रन, फिर अभी 33 रन स्कोर कराया, फिर 52 रन, फिर अभी 27 रन। ओवरऑल देखेंगे 112 रन स्कोर कराए, टीम के ओपनर बैट्समैन है सुदर्शन मेथुन, पहले मैच के अंदर दोस्तों 3 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर 1 विकेट, कंटिन्यू हर एक मैचेस में इनको विकेट मिला है दोस्तों। ओवरऑल देखोगे तभी तक 10 विकेट निकाल चुके हैं, टीम के बहुत शानदार गेंदबाज है दोस्तों, इनको अपने टीम के अंदर एज ए बॉलर जरूर ट्राई करना। बाकी जोसेफ 7 नंबर पर खेलेंगे, पहले मैच के अंदर 9 रन प्लस 1 विकेट, फिर अभी फ्लॉप रहा था, फिर 2 विकेट, फिर 29 रन, इसमें विकेट नहीं मिला, फिर
पे फ्लॉप रहा था। ओवरऑल देखेंगे तो 42 रन बना के 3 विकेट निकाल चुका है। वही अगर बात करेंगे श्रीरॉप के बारे में, दोस्तों पहले मैच के अंदर 22 रन बनाए थे, विकेट नहीं मिला, फिर 4 रन प्लस 3 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर 11 रन प्लस 5 विकेट, फिर यहाँ पे 0 विकेट और लास्ट मैच के अंदर 2 विकेट निकाला है। ओवरऑल देखेंगे तो 37 रन बना के 11 विकेट निकाल चुके हैं। टीम का मिडल ऑर्डर का बैट्समैन है, प्लस कुछ ओवर गेंदबाजी भी करते हुए देखेंगे। अखिन की बात करें दोस्तों, ये दो मैचेस खेला है, दोनों मैच के अंदर फ्लॉप रहा है, आप इनको अवॉइड कर सकते हैं। अभिषेक मोहन पहले मैच के अंदर फ्लॉप, फिर 1 विकेट, फिर यहाँ पे लास्ट मैच के अंदर ही फ्लॉप रहा है। अक्षय मनोहर की बात करेंगे तो पहले मैच के अंदर 15 रन बनाए थे, फिर 28 रन प्लस 1 विकेट, फिर 12 रन, फिर 21 रन, फिर यहाँ पे 28 रन। ओवरऑल देखेंगे 104 रन बना के 1 विकेट निकाला हुआ है दोस्तों। बाकी हरिकृष्णन टीम के ओपन करेंगे, पहले मैच के अंदर 0 रन, दूसरे मैच के अंदर 1 रन बनाया हुआ है। राहुल चंद्रन पहले मैच के अंदर 1 विकेट, फिर फ्लॉप रहा था, फिर 4 विकेट, फिर 1 विकेट निकाला हुआ है दोस्तों। ये भी टीम के बढ़िया गेंदबाज है, इनको आप एज ए बॉलर ले सकते हैं जो टीम के बेहतरीन गेंदबाज करेंगे। जेरिन ये दोस्तों इनका रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है। वही एमडी निधन की बात करेंगे दोस्तों, ये पहले मैच के अंदर फ्लॉप, फिर 1 विकेट, फिर यहाँ पे 3 विकेट निकाला हुआ है दोस्तों। ये भी टीम के 4 ओवर तक गेंदबाजी करते हुए दिखेंगे। एज ए बॉलर इनको भी अपने टीम के अंदर जरूर ट्राई करना। तो ये केसीए लायंस का रिकॉर्ड है दोस्तों, सेम बैटिंग ऑर्डर आपको इस मैच के अंदर भी देखने को मिलेगा केसीए लायंस की टीम की तरफ से। इसमें से आपको जो भी बेटर लग रहा है प्लेयर्स का स्टेट्स को देखते हुए प्लेयर्स को ले सकते हैं। लेकिन वही केसीए टाइगर्स की बात करेंगे तो यहाँ पे अब्दुल बशीद खेलते हुए जाएंगे, जो कैप्टनसी के लिए सबसे सेफ बंदा है, क्योंकि टीम को फर्स्ट राउंड पर खेलेंगे, प्लस गेंदबाजी भी करते हैं। अभी तक देखोगे 111 रन बना के 6 विकेट निकाल चुके हैं दोस्तों, बहुत बढ़िया प्लेयर है दोस्तों। देख सकते हैं सारे रिकॉर्ड आपके सामने, लास्ट मैच के अंदर 1 रन प्लस 2 विकेट निकाले थे, फिर फ्लॉप, फिर 14 रन प्लस 3 विकेट। अच्छा प्लेयर है, आप जरूर ट्राई करना। आकाश की बात करेंगे, टीम का थर्ड राउंड पे खेलेंगे, पहले मैच के अंदर 1 रन, फिर 37, फिर 13, फिर यहां पे 10 रन। ओवरऑल देखोगे 61 रन स्कोर करा है। वहीं बात करेंगे दोस्तों आनंद के बारे में, ये टीम के ओपन करने के लिए आएंगे। पुरुष टूर्नामेंट के अंदर 189 रन स्कोर कराए, बहुत बढ़िया बल्लेबाज है, देख सकते हैं हाफ सेंचुरी भी लगाते हुए आ रहे दोस्तों। लास्ट के दो मैच के अंदर कंटिन्यू देखोगे तो बढ़िया खेला है। वहीं अगर बात करेंगे दोस्तों आनंद कृष्णन के बारे में, तो 4 नंबर पे खेलते हुए पहले मैच के अंदर 5 रन, फिर बैटिंग बॉलिंग से फ्लॉप रहा, फिर 1 विकेट, फिर यहाँ पे ओवरऑल देखोगे तो मात्र 12 रन बना के 1 विकेट निकाला, आप इनको अवॉइड कर सकते हैं। बाकी श्रीराज इनका रिकॉर्ड कुछ खास नहीं। भरत सूर्या की बात करेंगे, टीम के सेकंड राउंड पे खेलेंगे, दो मैचेस खेला है, दोनों मैच के अंदर फ्लॉप रहा है। सराफुद्दीन दोस्तों पहले मैच के अंदर बैटिंग से फ्लॉप, लेकिन बॉलिंग से 2 विकेट निकाला है, फिर 17 रन प्लस 1 विकेट, फिर यहाँ पे 3 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर 2 विकेट। ओवरऑल देखोगे तो 17 रन बना के 7 विकेट निकाल चुके हैं। ये भी आपके लिए बेस्ट प्लेयर है, जो बैटिंग तो करेंगे ही, साथ ही साथ आपको बॉलिंग से भी पॉइंट्स देंगे। बाकी विष्णु विनोद ओपन करेंगे, पहले मैच के अंदर 43 रन, फिर यहाँ पे बैटिंग बॉलिंग से फ्लॉप, फिर 56 रन, फिर यहाँ पे 51 रन। ओवरऑल देखोगे 160 रन स्कोर करा दोस्तों, बहुत बढ़िया बल्लेबाज है, और एज ए ओपनर बैट्समैन जरूर ट्राई करना, जो बहुत बढ़िया खेलते हुए आ रहे दोस्तों। वहीं बात करेंगे हरिकृष्णन के बारे में, तो पहले मैच के अंदर 2 विकेट, फिर यहाँ पे फ्लॉप रहा था, फिर 1 विकेट, फिर 2 विकेट, फिर लगातार फ्लॉप रहे हैं। ओवरऑल देखोगे तो 5 विकेट निकाला हुआ है मोहम्मद इशाक, ओवरऑल इनको 5 विकेट मिला है दोस्तों। ये भी टीम के काफ़ी बढ़िया गेंदबाजी करते हैं। अजीत की बात करेंगे दोस्तों, तो ओवरऑल 7 विकेट निकाला, ये भी टीम के बहुत बेहतर गेंदबाज है, इनको आप अपने टीम के अंदर एज ए बॉलर ले सकते हैं, जो बढ़िया गेंदबाजी करते हैं। बाकी गौतम मोहन 7 नंबर पर खेलते हुए 16 रन, फिर यहाँ पर लगातार 2 मैच के अंदर फ्लॉप। निखिल की बात करेंगे, 4 नंबर पर खेल रहे हैं, पहले मैच के अंदर 1 रन, दूसरे मैच के अंदर 15 रन स्कोर करा है। यहाँ पे शरवण की बात करेंगे, फर्स्ट राउंड पे खेल रहे हैं, दोनों मैच के अंदर देखोगे तो ये फ्लॉप रहा है। देखो लास्ट के जो 3-4 खिलाड़ी है, इनको दोस्तों 1-2 मैचेस में लाया गया था, लेकिन कुछ खास रिकॉर्ड कर नहीं पाए दोस्तों, तो इनको आप चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे प्लेयर्स का इन्फॉर्मेशन है दोस्तों बैटिंग ऑर्डर के साथ। इसमें से आपको जो भी बेटर लग रहा है प्लेयर्स का स्टेट्स को देखते हुए प्लेयर्स को अपने टीम के अंदर आप ले सकते हैं। हालांकि मैंने आपके लिए एक डेमो टीम बना के रखा है, तो चलिए उस टीम की ओर आगे बढ़ेंगे। शुरुआत करेंगे सबसे पहले दोस्तों विकेट कीपर से। तो मैं फिलहाल यहाँ पे दोस्तों LI और यहाँ पे TIG के दोनों के प्लेयर को मैं ट्राई करूँगा विकेट कीपर में, जो दोनों के दोनों मुझे बेटर लग रहा है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ऑलराउंडर में भी कुछ ऑप्शन है, तो अगर आप चाहें तो एक विकेट कीपर के साथ भी इस मैच के अंदर जा सकते हैं। ओनली विनोद को भी ट्राई कर सकते हैं। बैटिंग में 3 बैट्समैन है, जिसमें से बसित बेस्ट रहेगा, ज्योतिन को मैं ट्राई करूँगा, यहाँ पे ए कृष्णन। ये 3 बैट्समैन आपके टीम के अंदर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बाकी अगर आप चाहें तो ए आनंद को ले सकते हैं, या फिर दोस्तों प्लेको भी अगर ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हो। फिलहाल इन तीनों बैट्समैन को ट्राई करूंगा। ऑलराउंडर में देखोगे तो मैंने यहाँ पे दोस्तों 3 ऑलराउंडर को ले रखा है। जय सक्सेना बेस्ट रहेगा, MC रोप को मैं ट्राई करूंगा, सरफुद्दीन बहुत बढ़िया प्लेयर है। ये 3 ऑलराउंडर प्लेयर तो आपके टीम के अंदर होना जरूरी है ही, बाकी का रिकॉर्ड कुछ खास नहीं दोस्तों। बाकी बॉलिंग में देखोगे तो 3 बॉलर को मैंने रखा है, एसमिथुन डेथ ओवर गेंदबाज है, कंटिन्यू विकेट्स निकाले हैं दोस्तों। और यहाँ पे AB को मैं ट्राई करूंगा, यहाँ पे आर चंद्रन, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है दोस्तों। अगर आप चाहें तो यहाँ पे MShak को ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों अगर आप यहाँ पे इनको ड्रॉप करते हैं, सरफुद्दीन को ड्रॉप करेंगे, तो इनके जगह MShak को भी ले सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप कर
सकते हो सकता है कि लाइनअप के बाद मैं चेंज करूंगा। बाकी या फिर फिलहाल दोस्तों मेरे डेमो टीम कुछ इस प्रकार का है, जिसमें से कैप्टनसी के लिए मैं इनको ट्राई कर रहा हूँ और वाइस कैप्टनसी के लिए दोस्तों जेस सक्सेना को मैं ट्राई करूंगा, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, ध्यान रखना, अगर आप चाहें तो सिरोप की भी ले सकते हैं, इनका भी रिकॉर्ड बेटर है, या फिर कैप्टन वाइस कैप्टन स्वाइप भी कर सकते हैं। तो ये मेरे साइड से टीम है, इसमें अगर आपको एक दो प्लेयर अपने साइड से चेंजेस करना है तो आप कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।